हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ वेरी अफोर्डेबल एक फेशियल किट की रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। तो लेट्स गेट स्क्रब काफ़ी थिक है और इसका स्मेल बहुत ही अच्छा है और ये काफ़ी अच्छे से फेस को मेरा एक्सफोलिएट किया है। काफ़ी हल्के हाथों से आप अपनी फेस को मसाज देना, तो स्क्रब को ज़्यादा अच्छे से मत खींचना फेस पे, नहीं तो आपके फेस में स्क्रैच आ जाएगा। तो काफ़ी हल्के हाथों से अपने फेस को मसाज करो 3 से 4 मिनट तक, उसके बाद अपनी नेक पे भी अप्लाई करना। अच्छे से स्क्रब करने के बाद फिर से वेट टॉवल की हेल्प से आप अपने फेस को रिमूव कर लो। तो फेस को रिमूव करने के बाद आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से ये मेरे फेस को एक्सफोलिएट किया है, मेरे व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स को भी रिमूव किया है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो मेरे नेक में भी काफ़ी पिगमेंटेशन था, वो भी क्लीन किया है। अभी मैं थर्ड स्टेप अप्लाई करने वाली हूँ। थर्ड स्टेप में है हाइड्रेटिंग जेल, तो ये ले लिया है मैं काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में जेल। तो इस जेल का स्मेल भी काफ़ी अच्छा है, तो मैं अपने नेक पे फेस पे अच्छे से जेल को अप्लाई कर रही हूँ और काफ़ी अच्छे से आपको मसाज देना है। ये भी मसाज आपको 3 से 4 मिनट तक अपने फेस पे करना है। तो ये जेल जब आप अप्लाई कर रहे हो इसमें आप कोई भी वाटर मत यूज़ करना, आप जेल से ही पूरा फेस पे मसाज करना, कोई भी वाटर मत लेना। आपको अच्छे से जेल को अपने फेस पे एब्जॉर्ब करवाना है, उसके बाद वेट टॉवल की हेल्प से फेस को क्लीन कर लेना है। तो क्लीन करने के बाद आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी एक ग्लो आ गया है मेरे फेस में। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 4। सो स्टेप नंबर 4 में है नरिशिंग क्रीम, जो मैं अपने हैंड पे ले लिया है और बहुत ही ज़्यादा थिक था, इसका स्मेल उतना ज़्यादा मुझे पसंद नहीं आया था। तो मैं अपने नेक पे फेस पे अच्छे से क्रीम को अप्लाई कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये वो इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिसको आपको अच्छे से 10 से 15 मिनट मसाज करना है जेंटली। तो ये क्रीम की अच्छे से मसाज करने के बाद ही आपकी स्किन में एक अच्छा सा ग्लो आएगा। आपके फेस में अगर रिंकल की प्रॉब्लम है उसको ये ठीक करेगा। तो आपको जेंटली हल्के हाथों से अपने फेस पे मसाज देना है, बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं। I'm
so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरा खुद का ही एक्ने प्रोन स्किन है, तो इतना अच्छे से फेस का ध्यान रख लिया, अभी फेस का भी बहुत अच्छे से केयर कर लिया, अभी लिप्स का भी थोड़ी बहुत केयर कर लीजिए। तो अभी मैं लगा रही हूँ लिप बाम। तो लिप बाम लगाने के बाद अभी मेरा अब फाइनल रिजल्ट अब देख सकते हो मेरा फेस का, कितने अच्छे से मेरा एक्ने पिंपल का स्कार था वो भी रिमूव हो गया, डार्क सर्कल भी बहुत ही ज़्यादा कम हो गया, अफोर्डेबल प्राइस में बहुत ही अच्छा फेशियल किट है। आई होप आप लोगों को इस फेशियल किट की रिव्यू पसंद आई होगी। तो आप इस फेशियल किट की रिजल्ट देख सकते हो मेरे फेस पे कितना अच्छा ग्लो लाया है, टैन को क्लीन किया है। मुझे भी इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था इस फेशियल किट के ऊपर, ये इतना अच्छा वर्क करेगा और बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल भी है। आप डेफिनेटली इस फेशियल किट को बाय कर सकते हो, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर चेक कर लीजिएगा। और हाँ गाइस, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और बाय गाइस, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हम दूसरे कोई ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।